Good morning, dear student. Today your topic, past adjustment or adjustment in the close accounts. ठीक है, अब हम लोग को ये टॉपिक पढ़नी है जो हम लोग की न्यू टॉपिक है. ठीक है, इसमें क्या है, क्या रहे हैं, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर फर्म पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ डिस्कवर्ड that there have been some errors or omission in the account. Usually the following types of error and omission are discovered. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना क्लोज कर देते हैं, फिर हमको बाद में कुछ चीज़ें ये फाइंड होती है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ एरर हो गया है, और कुछ चीज़ें हम क्या कर गए हैं, भूल गए. ठीक है, अब उसको हम लोग किस तरह मेंटेन करेंगे, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है एरर. फर्स्ट है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या है, भूल जा रहे हैं पे करना. ठीक है, किसको, पार्टनर को. फिर कह रहे हैं दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग पोर्शन. फिर ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टनर को, वो रॉन्ग पोर्शन में हो गया, मतलब गलत तरीके से हमने उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ठीक है, पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मेंशन करना भूल गए हैं. दूसरा, इन्होंने कहा है कि हम लोग जो पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो गलत शेयर में, गलत रेशियो में, गलत पोर्शन में वो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं ये, When profit sharing ratio has been altered with effect from some past date. यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो इफेक्ट कर रहा है वो पास्ट डेट में क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट है, when salary or commission payable to person have been omitted. हमको person को salary और commission paid करना था, जो ये हम भूल गए. ठीक है, तो इस टाइप के आपके एरर हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्या कह रहे हैं कि इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरनिंग द क्लोज अकाउंट एंड द साइन बैलेंस बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट इन मिड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, कह रहे हैं कि दिस एरर और कमीशन मे बी रेक्टिफाई इन टू वे. ठीक है, दो तरीके से होता है. कह रहे हैं बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन, और बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर और कमीशन. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट. यहाँ पे कह रहे हैं एक हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल एंट्री भी एरर की फाइंड कर सकते हैं और सिंगल भी, सेपरेट भी. तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट. ठीक है, इन दिस केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पार्ट विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, और इसको समझेंगे कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है और इसको कैसे स्टडी करना है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है.